एक दिन तू हमारी कुटिया में आ जा, तू हमारी कुटिया में आ जा, एक दिन तू हमारी कुटिया में आ जा। ए हाजी नगर के तू हुआ राजा, एक दिन तू हमारे घरवा में आ जा, तू हमारे घरवा में आ जा, एक दिन तू हमारे घरवा में आ जा। ए मोरे चश्मा पिया, चश्मा बाबा है ये नूरानी सूरत वाले हैं, खूबसूरत हैं। और चश्मा बाबा मदीना मारकर लुंगी पहनते थे, है ना बशीर भैया? और इतना खूबसूरत चश्मा बाबा को एक बार जिसने देखा है उसकी निगाहें नहीं हटती है। देखिएगा नसीम भाई, हम लोग तो देखे नहीं है, हम लोग अपने अब्बा से सुनते थे, अम्मा से सुनते थे, बुजुर्गों से सुनते थे कि चश्मा बाबा सिर्फ गंदा जगह में बैठते थे। हम लोगों ने पूछा, मौलाना फैजी साहब, मुफ्ती अब्दुल रऊफ फैजी, इसी मस्जिद के इमाम, कि ऐसी बात क्या है? तो बोले कि चश्मा बाबा इसलिए गंदा में बैठते थे कि हमारे औसाफ को, हमारे अच्छाई को किसी को पता न लगे, नहीं तो नोच लेगा हमको, इसीलिए गंदा में बैठते थे। और हमसे दूर रहो। एक रिक्शा वाला भगाड़ में लेके जा रहा है चश्मा बाबा को। चश्मा बाबा बोले कि गंदा में ढुकाओ। रिक्शा वाला ढुकाया तो बोल रहा है कि खाली बागीचा ही, फूल का बागीचा, इतने बड़े वली हैं। मैंने कहा ना कि वहां से लोग कहा कि मेरे पास आए हो, तुम्हारे मारवाड़ी कल में सिर्फ पानी का बोतल चश्मा बाबा के दरबार में रख दो और ला के पियो, ईमानदारी के साथ बीमारी से शफा पाएगा। और मैं आज औसाफ चश्मा बाबा का बयान कर रहा हूँ, इनका पानी पियो ठीक हो जाओगे, छू मंत्र हो जाएगा, छू मंत्र। हाजी नगर के तू हुआ राजा, एक दिन तू हमारे कुटिया में आ जा, तू हमारे कुटिया में आ जा, एक दिन तू हमारे कुटिया में आ जा। ए माना तू हमारी, ऐ मेरे चश्मा पिया, माना तू हमारे दिल के कहनवा, तोहके बैठा के आपन समनवा, तोहके बैठा के आपन समनवा, सदका हम तुहरी उतारी ए चश्मा पी, तुहरी उतारी ए चश्मा पी, तुहरी उतारी ए चश्मा पी, सदका हम तुहरी उतारी ए चश्मा पी, है। और ये जो साबरा खातून जिंदा है, ये साबरा खातून जिंदा है, इस पे भी बाबा का करम है, कैसे कैसे लोगों को बचा के रखे हैं। और मैंने कहा ना कि जब आप सुख लीजिएगा तो दुख भी आपको लेना है, ये दोनों आपके लिए बनाया हुआ। ए हाजी नगर के तू हुआ राजा, हाजी नगर के तू हुआ राजा, ए मोरे पीर, मैंने जब नहीं आ रहा था, एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि ये होगा, बहुत परेशानी था, लेकिन जब कुछ नजर नहीं आया तो ये जहन काम किया कि दुआएं बुजुर्गों का लो। अरे चश्मा बाबा कर्म कर दिया तूने। मैंने एक बार पुकारा, या मेरे पीर,
कदमों से लगाए लखियो, मुझको वादा बे गुलामी भी नहीं आते गए, को वादा बे गुलामी नहीं आते ऐ मेरे चश्मा पिया, मुझको वादा बे गुलामी भी नहीं आते हैं, अरे मैं बुरा हूँ तो मेरे को भी निभाए लखियो, जानिब से कुछ इनाम नजराने आए। हमारे बड़े भाई शमसुद्दीन साहब भी बैठे हुए हैं। अब तमाम हिंदू मुसलमान इनके दरबार में आते हैं और कहते हैं बजाओ बजाओ। चश्मा बाबा, मैंने कहा कि इधर आइए ना थोड़ा, यहाँ के सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरे इंसानों के लिए है। कैसे हैं? ए मोरे चश्मा पिया, हिंदू मुसलमान सबके हो आवे, आस्ते आस्ते रखो, मैं बहुत इत्मीनान से कर रहा हूँ ताकि काम भी हो जाए और सबको समझ में आ जाए। आस्ते रखो, अगले साल इंशाल्लाह जब होगा तो मैं अपने रंग पे आ जाऊंगा। हिंदू मुसलमान सबके हो आवे, तू खड़ा आपन तो के सुनावे, आपन तो के सुनावे, तू खड़ा आपन तो के सुनावे, आ के हो बनल केहू बनलबा तोहरे दीवाना, मथवा झुकावे सारा जमाना, मथवा झुकावे सारा जमाना। चश्मा बाबा, बहुत लोगों की बात काट के आपके स्टेज पर बैठा हूँ, इसकी लाज निभाना आपका काम है। आ जाइए साजिद भाई, आप तो कल्याणपुर से आते हैं, आइए स्टेज पे।